उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लोग अपनों को खोते जा रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत सामने आ रही है वो है ऑक्सीजन की कमी। हालांकि हमारी सरकार ने इस दिशा में खास प्रयास शुरू कर दिए हैं और ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? अगर वक्त रहते हम लोगों ने पर्यावरण से प्यार किया होता, पौधों से प्यार किया होता, पेड़ों को कटने से रोका जाता तो आज शायद ये स्थितियां सामने नहीं आती। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो पौधों से विशेष प्यार करते रहे, उन्हें कहीं भी जगह मिली तो उन्होंने लगा डाले प्लांट्स। उनका किचन है, घर का कोई भी कोना है, उससे ना सिर्फ उनका घर का कोना खूबसूरत हुआ बल्कि ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो रहा है। तो उत्तराखंड की नौनी आज आपको मिलवा रही है ऐसे ही कुछ खास लोगों से, लेकिन उनसे मिलने से पहले आप उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए और देखिए आखिर कौन है ये लोग और किस तरह की मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है, कितना प्यार ये प्लांट से करते हैं और कैसे उन प्लांट्स को लगा के इन्होंने बनाया हुआ अपने घर को खूबसूरत। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू बेदी उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप देख ही रहे हैं कि कोविड 2 की लहर हमारे देश को किस तरीके से बोल सकते हैं बर्बाद कर रही है या हम लोग कितना जूझ रहे हैं उस चीज से। तो उस टाइम पे हम लोग सब अपने अपने घरों में कैद हैं, तो हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके क्या कर रहे हैं? मेरा जो उपाय है, कई लोग तो देखिए न्यूज़ देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, नेट से डाउनलोड करके मूवीज़, गेम्स कुछ भी कर रहे हैं। मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्या करा है जिससे मेरी हेल्थ, मेरे बच्चों की हेल्थ और मेरे घर का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक बना रहे और हम लोग हाइपर ना हो। टीवी रिमोट के लिए भी जैसे लड़ाई होती है या समथिंग कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी हो जाता है कि हम बच्चों से बोलते हैं चलो बहुत देर हो गई, आपने टीवी देख लिया, आपने मोबाइल पे देख लिया, आइज खराब हो जाएगी। तो मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, आप मेरे पीछे से देख रहे होंगे। ये लास्ट लॉकडाउन की क्रिएटिविटी है, उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना खाली समय को अपने घर के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग यूटिलाइज करें। मैंने अपने घर की स्टेयर्स पे ये पेड़ पौधे लगाए हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भी देते हैं, ये सुंदर भी लगते हैं, हमारे घर को सुंदर भी बनाते हैं। और ये देखिए, ये मेरे घर के एंट्रेंस है, ये मैंने लास्ट ईयर ही अपना बनाया है। ये फिर से स्टेयर्स आ जाएंगी, खाली बॉटल को डेकोरेट करके उस पर भी प्लांट लगाए हैं। अपना जो टाइम है लॉकडाउन का, जो मेरा टाइम था अपना और चीज़ करने का, मैंने यूटिलाइज़ किया है इस पे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, तो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, देशवासियों को बचाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, मैं उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको नेचर के नज़दीक रहना होगा। देखिए आज शहर के अंदर कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया और ऑक्सीजन के लिए आज हमें ऑक्सीजन की वैल्यू आज पता चल रही है कि जब हम एक एक सांस के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें वो सांस नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पा रही, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग मारामारी हो रही है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या है कि हम वृक्षों के और उसके नज़दीक, और दूसरा हमें एसी में को अवॉइड करना है। जो लोग रात भर एसी के अंदर सोते हैं वो सोचिए कि वो अपने ही जो सांस से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं और वो उनके लंग्स तो कमज़ोर होने ही हैं, क्योंकि जब कमज़ोर लंग्स होंगे तो हम बीमारी से नहीं जूझ पाएंगे। आप तो हमें आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको देखिए। मैं अपनी एक छोटी सी मैंने जगह के अंदर एक बगिया बनाई, आप उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है गिलोय बटी, जिसको कि अमृत बटी का भी नाम दिया गया है इसको आयुर्वेद में, और ये इस इम्यूनिटी के लिए कहते हैं कि सर्वोत्तम वो है। इसकी आप जड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी लीफ को ले खा सकते हैं, आप वैसे भी इसको न इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। यह एलोवेरा, एलोवेरा जो है इसके आप इसको खा भी सकते हैं और सौंदर्य प्रसाधन में तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, फेशियल से लेकर हर चीज़ में इसका काफ़ी वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यह है लेमन ग्रास, आज दिन लोग लेमन टी में इसका
यूज कर रहे हैं और लोग इसको भी काढ़े में भी आप पी सकते हैं। इनकी गली एक बहुत ही बेस्ट आइटम है। ये है गुड़हल की। इस गुड़हल का मेडिसिन में आयुर्वेद में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। इसका फूल का भी होता है, पत्ती का भी होता है, जड़ का भी होता है। देखिए इसी तरह ये है लेमन प्लांट, नींबू, जिसको कि हम जीत